हाय फ्रेंड्स, मु रजत। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग विथ रजत। तो पिला माने आज गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट करछि ओडिया ग्रामर सीरीज। तो ये आपण पाई परिवे कॉन्सेप्ट वाइज क्लास पाई परिवे जाए कि एएसओ एआरआई अमीनो एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे, स्टार्टिंग करिबा। तो आज फर्स्ट क्लास रही वाक्य और तार प्रकार भेद पार्ट वन रही वाक्य दुईटा पार्ट करी। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ पार्ट वन। तो स्टार्टिंग करिया पूर्व जदि आप एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब आटलिस्ट वन्स एवं बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी ही पहुँच। टोटल फुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लास करी। तो आउ गोटे पे अनाउंसमेंट जदि आप चाहती अनअकाडेमी माध्यम ऑनलाइन क्लास करेंगे एथेर पे मोर क्लास देखते रोचे आम ब्याज कोर्स चली मोर मेजर क्लास रही ओडिया ग्रामर मुझे पढ़ाऊँ इंडिविजुअली एवं ब्याच रे पढ़ाऊँ हिस्ट्री एवं इकोनॉमिक जीके पार्ट। तो आप जॉइन कर पारे 18 गोटे ब्याच नंबर 5 स्टार्ट होता आम आउ गोटे ब्याच ये नवेम्बर फर्स्ट वीक रु स्टार्ट करूँ ब्याच नंबर VI। सो फ्रेंड्स आप जल्दी ही जॉइन करूँ केवल 3 मास जॉइन करूँ फुल सिलेबस आप कवर हम करंट अफेयर पाइपारे ओडिया ग्रामर इंग्लीश ग्रामर मैथ रिजनिंग जीके सब फुल पैकेज रोच। तो ओएस भी रोचे क्लास एआरआई अमीनो क्लोज क्लास रोचे स्पेशियाली एएसओ आप फास्ट विक स्टार्ट होमती जॉइन करेंगे फास्ट आपको अनअकाडेमी आप्लिकेसन इनस्टल करा पड़ो कलापुर लगइन करेंगे गोल्ड मागे आप ओपीएससी गोल्ड चूज करेंगे सर्च करेंगे ओपीएससी कलापुर आसव गेट सब्सक्रिप्शन नाम से 3 मास 6 मास 12 मास शो करताको आप क्लिक करेंगे 3 मास जॉइन कर 4000 अच्छी। तो ये डिस्काउंट कटिज जॉइनिंग टाइम रे मन कर रेफरल कोड आप यूज करेंगे मो रेफरल कोड BRRLIVE 3 मास को 3600 मात्र फुल सिलेबस कवर जो मैंने चाहते ओएस जॉइन करेंगे से मैंने गोटे वर्ष जॉइन करेंगे बहुत गुड़े ब्याज कोर्स आम चली गोटे वर्ष को डिस्काउंट कटे 7920 टाँग आसपार यहाँ हूँ मो रेफरल कोड BRRLIVE आपको मन कर यूज करेंगे ना। तो ये वीडियो तले मुझे लिंक दे दीजिए 10% डिस्काउंट लिंक ताको आप डायरेक्ट क्लिक करें आप इनस्टल कला जहाँ भी डाउट आप नंबर SMS कर बुझीपारे जॉइनिंग प्रोसेस केमती रही जी आप एपर्यंत जॉइन करना मो टेलीग्राम आप ना सर्च कर जॉइन करें ना। तो मुझे लिंक शेयर करदे डिस्क्रिप्शन में ताको क्लिक करी जॉइन करेंगे जी आम स्टार्ट कर देखिया पे आज फर्स्ट क्लास अच्छे वाक्य देखो यहाँ हूँ आप अच्छी वाक्य स्टार्ट कर दिया पिला माने फास्ट समस्त को विजुअल हो ठीक से एवं समस्त को ऑडियो सुना जा ठीक से आशा करुच्ची रेकॉर्डिंग क्लास लाइव नुह। तो जहाँ भी डाउट अच्छे आपसी एग्जाम विषय में आप नंबर मध्यम SMS करेंगे ना। तो मो टेलीग्राम जॉइन कर SMS करेंगे हाउ टू जॉइन हाउ टू प्रिपेयर जहाँ भी डाउट अच्छी SOS। तो पे फास्ट देखिए पचार वाक्य प्रथम कौन बुझिया वाक्यर लक्षण बुझिया। तो ये मेनसन कर केते गुड़िए अर्थवाची पद मिलित तो हुई आम फास्ट जानचे पद गुड़िक समाह गोटे वाक्य होता है किंतु केते गुड़िए अर्थ से पद जो मिलित तो होती तार किसी अर्थ थी दरकार केते गुड़िए अर्थवाची पद मिलित तो हुई मनर भाव पूर्ण भाव प्रकाश कले वाक्य कह जाए मनर भाव ये संपूर्ण भाव में प्रकाश कर कलिकता जीवी एटीर मुँ अर्थ तुम जाच कलिकता अर्थ जाच जीवी अर्थ मत जाच। तो केते गुड़िए अर्थवाची माने जो पदर अर्थ थी मुझे जीवी को बीजि लिखिदेवी मुझे बीजि लिखी तमें बीजि तुम मूल्य किसी जाणी हो कलिकता बीजि ना जीवी जो पद तुम ये मेनसन कर पदर अर्थ पे बुझा दरकार से अर्थ सब मिलन हो गए संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर मन तुम जहाँ कौच ताँ अग बुझीपर दरकार। तो आम ये कौन कहीपर वाक्य कह वाक्य अटे मु कलिकता जीवी गोटे वाक्य अटे यार प्रत्येक पदर पर पद सहित संपर्क रही जीवी संपर्क अच्छी कलिकता सहित कलिकतार संपर्क अच्छी मु सहित। तो प्रत्येक पद पिला माने तार पर पद सहित रिलेशनशिप रखिछंती मु कलिकता जीवी एडे जीवी कुआडे जीवी कलिकता जीवी किए जीव मु जीवी। तो प्रत्येक पद तार पर पद बा पूर्व पद सहित रिलेशन अच्छी मु कुआडे जीवी कलिकता जीवी
कलिकता जीवी ता माने प्रत्येक पद तार परपद सहित संपर्क रखिछंती तेणु यह संपूर्ण वाक्य अटे। वाक्य लक्षण पिला माने गोटे वाक्य रो तीनोटी लक्षण रही परीक्षा पढ़े पिला माने आपनकु मध्ये एमसीक्यू करि देबी टेंशन नियुतुनी। वाक्य रो लक्षण गोटे वाक्य रो तीनोटी लक्षण रही जथा योग्यता आकांक्षा आउ आसक्ति। गोटे वाक्य रे तीनोटी लक्षण रही गोटे हूँ योग्यता कौन आकांक्षा कौन एवं आसक्ति कौन। तो पिला माने वाक्य रो योग्यता माने कौन आगे बुझिया वाक्य रो गोटे योग्यता कौन। वाक्य मध्य व्यवहूत पद मानक मध्य पारस्परिक संपर्क वाक्य मानक मध्य जो सब पद थाए मु कलिकता जीवि सब पद एमानक मध्य जो संपर्क पारस्परिक जो संबंध थाए विभिन्न पद मध्य भाव विरोधी रही अर्थ बोधरे बाधा जन्मे। यदि विभिन्न पद मानक मध्य भावटा विरोध रहिबो भाव ठीक से आसिबनी ताले अर्थ आम बुझीपर ना। वाक्य अंतर्गत पद मानक परस्पर विरोधी नहवा लक्षण को योग्यता कह योग्यता मान कौन वाक्य मझे जो सब पद अच्छी परस्पर एम कि विरोधी हेनी ताने विरोधी हेन मान कौन पे वृक्ष पाखे पद अच्छी दौड़ा वृक्ष केवे दौड़ी कि दौड़ी केवे हेनी संभव नुह वृक्ष केमी दौड़ ता मैंने गोटे वाक्य मनकर गोटे वृक्ष दौड़ू सपोज मुझे कहबी तो वृक्ष गोटे पाखे वृक्ष ठीक अच्छे कि वृक्ष पाखे दौड़ू वार्ड जो लगी ठीक लगे कहीं वृक्ष केवे दौड़ पारे गच्छ केवे दौड़ पारे तो गधटी उड़ूँ गध केवे उड़ी पारे ये जो वाक्य दीटा मध्य संपर्क गध एवं उड़िया भितर किसी योग्यता ना तम गधर योग्यता ना उड़ा वृक्षर योग्यता ना दौड़ा लोकटी निया पीला लोकर योग्यता ना निया पीवा तो ये सब पद मानक जो रिलेसनशिप अच्छी आंक भितर कौन योग्यता रोनी वृक्ष सहित योग्यता दौड़बार ना गधर उड़ूँ ना कि लोकटी निया पीला ना उपरोक्त वाक्य गुड़िक वृक्षटीर दौड़बार योग्यता ना द्वितीय वाक्य गधटी उड़बार योग्यता ना तृतीय वाक्य लोकटीर जलपान करने योग्यता थी निया पीबार योग्यता ना ये सब स्थल योग्यतार अभाव थवुड़िक पदवाच्य नुहे एम को पद कही पार ना वाक्य कहार ना वाक्य व्यवहूत पद मानक मध्य भाव व अर्थ प्रकाश आघात घटिले बुझ वाक्य जो सब पद मान व्यवहार होती अर्थ प्रकाश करघात घटिले ता वाक्य हो पार ना तेणु स्थल विशेष अंध सब देखिपे एवं मुक अन्नगोल गपी पारे यहाँ ठीक नुह भूल अंध सब देखियो केमी मुक गपियो केमी दुईरे भगवान दयारू पंगु पर्वत लंघन करें तो ये सब पाने देवी शक्ति सूचना देवाई योग्यता ना पद संयोजना देखा जाए उदाहरण देख उदाहरण एक ओ दुई नो ताने कौन सी गोटे एग्जाम्पल दे आम से वाक्य को ठीक कही पार गोटे पंगु चली पारे ना कि भगवान दयारु पंगु पर्वत लंघन करा ठीक ही पार जी आम खाली कह अंध सब देखिपे मुक अनल गपी पारे तो यहाँ भूल तेणु पद मानक भितर जो पद सहित जो पद लिंक अच्छी से योग्यता ना वाक्यर योग्यता कह आ गोटे गुण कौन वाक्यर आउ गोटे गुण हूँ आकांक्षा गोटे योग्यता गला आ गोटे आकांक्षा पाला आसला आकांक्षा कौन ना अर्थ बोध निम्ते वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा कै गोटे पद अन्य पद को अपेक्षा करें ताको आकांक्षा कह जाए केमी पिला गोटे पद अन्य पद को अपेक्षा करुच्ची पक्षी मैंने आकाश में ड्यास ये ड्यास पाने ये कि गोटे पद को वेट करुच पाने पड़िया ड्यास ये कि गोटे पद को वेट करुच तो उदाहरण आम स्पष्ट जना पड़े जे अर्थ बोध निम्ते अर्थ अर्थ को बुझापी प्रत्येक पद आउ गोटे पदर अपेक्षा व आकांक्षा रखुच्छे गोटे पद पक्षी मैंने आकाश में सी आउ गोटे कौन लगे अपेक्षा कर लगला वाक्यटा पूर्ण हम पाने पड़िया
किसी लगला पर वाक्य पूर्ण हम से जो लगवा वार्ड किसी लगवा किसी वार्ड हो पारे किसी फ्रेज हो पारे किसी खंडवाक्य पारे जहाँ भी पारे से जो अपेक्षा जहाँ करुच्ची आम आकांक्षा कही था से सब पदर अभाव हेतु एगुड़िक वाक्य कहुपर ना यही पदगुड़िकर अभाव पूरण हेले अर्थ संपूर्ण हम तेणु आम जो अर्थ संपूर्ण पाई पक्षी मैंने आकाश में ये उड़ूंती वेट कर पाने पड़िया खेलुंट वेट कर आकांक्षा अभाव न थ पूर्ण हो तो यही दीटा को पदर आकांक्षा कहगला ताने गोटे वाक्य पूर्ण होगापाई जो पदगुड़िकर अपेक्षा करें आ गोटे पद ताकू आकांक्षा बोली कहता है योग्यता बुझिले आकांक्षा बुझिले एबे जीवा आसक्ति कौन वाक्य मध्यरे पदगुड़िकर एपरी क्रम सज्जित होगा दरकार जे तुम्हें शुणिले तुमको संपूर्ण अर्थ बुझे होते दरकार केमिति मु कहिबी पिला माने सबु वर्ष गणेश पूजा स्कूल ले पालन करती यहाँ गोटे भल से बुझे मुझे एमती कहीपर पालन सबु वर्ष पाने स्कूल रे गणेश पूजा तम मैंने जो गोटे सेंटेन्स सबु पदगुड़िक असजड़ा वे अच्छी यदि असजड़ा वे अच्छी क्रोनोलोजिकली ना बा जंबल सेंटेन्स अच्छी ताकू आम आसक्ति कह आसक्ति अर्थ कौन ना कहा पाखे कौ पद रे सुंदर लगे पिला माने ए वर्ष स्कूल रे पिला पाखे ए वर्ष पाखे स्कूल लगला तो गोटे पद आ गोटे पद पाखे कौन बसला से अर्थ संपूर्ण होद पाखे आ गोटे कौ पद बस आवश्यक ताकू आसक्ति कहते तेणु यही वाक्य मध्य लिखी वाक्य मध्य जो शब्द पर जो शब्द बसवा आवश्यक कापर किए बसिले सुंदर लगे यही पद्धति को आसक्ति बोली कहते आसक्ति अभाव वाक्य हो पारे ना तो पाने आम बुझे गोटे एग्जाम्पल देख पढ़ाए कलेज मुझे प्रतिदिन पाठ जाए ये गोटे पिला आसक्तिर अभाव अच्छी जदि आपको आम सजाई लिखिद मुदिन कलेज जा पाठ पढ़ाए तो ये ठीक है गला किंतु एठी जो जंबल सेंटेंस मिस्टेक लिखाई भूल अच्छी तो ये भूल रो अभाव को आम आसक्ति कही पारू आसक्ति वाक्य रहीगले संपूर्ण हो पाए तेणु ये बुझिले वाक्य जो तीनोटी गुण अच्छी आकांक्षा आसक्ति एवं तुमर उद्देश्य आकांक्षा रहा गोटे आसक्ति गोटे रहा आ गोटे योग्यता यही तीन टा पिला माने यदि गोटे भी किसी नथिबो ताहा संपूर्ण वाक्य हो पारिबो नाही उपरोक्त दुईटी वाक्य पदगुड़िकर क्रमिकता रक्षा कर शुणा ज्ञान धारा विशेषण होती तेणु यठार आसक्ति रक्षा कर वाक्य नुहे यही वाक्य दुईट को उपयुक्त भाव सजाई देले मुदिन सका जाए पाठ पढ़ाए हिमालय भारत प्रथम हिमालय भारत बर्षर प्रहरी परिक्रम कै शब्द यही प्रकार शब्द बसाम आसक्ति थत यह वाक्य रूपांतरित हो तेणु वाक्य लक्षण दृष्टि योग्यता आकांक्षा आसक्ति थिबा आवश्यक गोटे वाक्य ये सब रही आवश्यक जदि यहाँ ना तो वाक्य संपूर्ण हो पारना तेणु परीक्षा जो पढ़ा आकांक्षा कौन योग्यता कौन एवं आसक्ति कौन आपण मन को निश्चिंत आसो आशा करुच्ची ठीक अच्छे जदि आप चाहती यार प्राक्टिस क्वेश्चन देखिए पे डेली मु 6 रु 7 फ्री क्लास करुच्ची अनअकाडेमी माध्यम डेली संध्या 6-7 फ्री क्वेश्चन प्राक्टिस ओडिया ग्रामर आपण मैंने मोर टेलीग्राम जॉइन कर जातु रजत सार अनअकाडेमी सर्च कर नाई तो यही वीडियो तले मु लिंक शेयर कर दे टेलीग्राम आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिंक रे क्लिक करूँ नाई तो सर्च करूँ आप टेलीग्राम आप्रे रजत सार अनअकाडेमी नाई तो लिंक क्लिक करें से जॉइन कला प्रतिदिन 5:30 आप लिंक मिल 5:30 लिंक मिल लिंक क्लिक कर 6 फ्री प्राक्टिस क्लास करें केवल टेलीग्राम जॉइन कर जातु तो ये जी नेक्स्ट पे वाक्य उद्देश्य क्या कहुए गोटे उद्देश्य अच्छे पे उद्देश्य
परीक्षा पढ़ एटा वाक्यर उद्देश्य क्या कहुए कौन सी वाक्य जहाँ को उद्देश्य अर्थात जहाँ संपर्क किसी कहुई जहाँ को उद्देश्य बा जहाँ संपर्क किसी कहुई ताक उद्देश्य गोटे वाक्य मु तुम कौच रामचंद्र अयोध्यार राजा थिले एटी कहा संपर्क बा कहा उद्देश्य कहुई ना रामचंद्र को उद्देश्य कहुई जे कौन थिले ना रामचंद्र अयोध्यार राजा थिले किए थिले ना ना रामचंद्र थिले हरिश्चंद्र समस्त संपत्ति दान कले किए संपत्ति दान कले समस्त संपत्ति ना हरिश्चंद्र गोटे वाक्य जहाँ विषय कहुई दैट इज वाक्यर उद्देश्य सब्जेक्ट आ गोटे प्रेडिकेट से उद्देश्य आउ विधेय एठार रामचंद्र हरिश्चंद्र संपर्क कहुई तेणु रामचंद्र हरिश्चंद्र हूँ उद्देश्य आप इंग्लीश जानते सब्जेक्ट कौन प्रेडिकेट कौन यहाँ से ही पचार कर्ता हूँ वाक्यर उद्देश्य वाक्यर उद्देश्य विषय जहाँ कहुए विधेय उद्देश्य सब्जेक्ट कौन प्रेडिकेट कौन तो सब्जेक्ट वाक्य जहाँ विषय कहुई ताकू कहते उद्देश्य जहाँ कहुई विधेय प्रथम वाक्य रामचंद्र को उद्देश्य कहगला रामचंद्र उद्देश्य कौन कहुई ना अयोध्या राजा थे तो अयोध्यार राजा थे हूँ विधेय जहाँ संपर्क आम कह आम से विधेय एवं जहाँ कह हूँ जहाँ संपर्क कह उद्देश्य एवं जहाँ कह रामचंद्र विषय कहुच्छी रामचंद्र उद्देश्य रामचंद्र विषय कौन कहुच्छी दैट इज विधेय देख रामचंद्र उद्देश्य कौन कहगला ना ये जहाँ जहाँ विषय जहाँ विषय कहुए उद्देश्य एवं कौन कहुए ता हूँ विधेय बुझेगा पे मैंने उद्देश्य गला विधेय गला एवं जी आम वाक्यांश कौन आम जानु केते गुड़िए पद मिलित तो हुई मनर पूर्ण भाव को प्रकाश कले वाक्य कहू था आम जेनेल जाणीचे केते गुड़िए पद मिलित तो हुई मनर संपूर्ण भाव को प्रकाश कले वाक्य कही था यहाँ आम समस्त जाणीचु कितु वाक्यांश मान कौन वाक्यर पाने वाक्यांश हो ना वाक्यू वाक्यर ही वाक्यांश हो तो ये वाक्यांश मान कौन वाक्य तो आम जाणीचे केते गुड़िए निर्दिष्ट शब्द पद मिलित हो संपूर्ण अर्थ प्रकाश कले आम वाक्य बोली कही था किंतु वाक्यांश मान कौन देख रामचंद्र अयोध्या राजा थिले उक्त वाक्य चारोटी पद मिलित हो मनर भाव को प्रकाश करुच्ची तेणु आपको वाक्य कह कि वाक्यटी संपूर्ण मनोभाव प्रकाश करने गोटे कर्ता गोटे समापिका क्रिया अच्छी आम जान लें वाक्य गोटे कर्ता गोटे क्रिया अच्छी बर्तमान रामचंद्र गोटे कर्ता थिले गोटे कौन क्रिया समापिका क्रिया तेणु जो क्रिया द्वारा गोटे वाक्य संपूर्ण अर्थ प्रकाश हुए समापिका क्रिया कहते मुझे पढ़ेबी क्रिया विषय तो यही वाक्य गोटे कर्ता अच्छी गोटे क्रिया अच्छी वाक्यटी संपूर्ण मनर भाव प्रकाश करने गोटे कर्ता अच्छी गोटे क्रिया एटी अच्छी किंतु वक्ता जितेबले कि भाव प्रकाश करें तार भावना अनुजाई वाक्यटी छोट होता है बड़ होता है मुझे भावी मो वाक्य लंबा हाब जमी सर्ट भाविले वाक्य छोट लिखी लंग भाविले वाक्यटा बड़ लिखी प्रत्येक वाक्य केते गुड़े अंश थाए अंश जोटी आम स्टप होता उदाहरण सब देख आजिकाली लोक मैंने कि बुझ न पारि निजर अहम पाई परस्पर मध्य माड़पिटी करती स्टपेज जगह उपयुक्त वाक्य एक सामग्रिक अर्थ प्रकाश करुले रेखांकित अंश मान एक वाक्यांश ये सब वाक्यांश वाक्यर अंश गोटे बड़ वाक्यर किसी जो छोट अंश मैंने अंश मान के पद को नहीं गठित
ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଅଂଶ ଅଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ କିଛି ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟଟା ଅଛି, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ବାକ୍ୟାଂଶ, ଇଏ ଏକ, ଇଏ ଦୁଇ, ଇଏ ତିନି, ଇଏ ଚାରି, ଇଏ ପାଞ୍ଚ, ତା ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି। ପାଞ୍ଚଟା ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ପଦ ବିହୀନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ପଦ ବିହୀନ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ, ନହେଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବନି, ବାକ୍ୟାଂଶରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କ୍ରିୟା ନଥିବ, କିଛି ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିବ। ଏ ତିନୋଟି ରୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ରୁଲ୍ ଦରକାର। କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟା ନଥିବ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପଦ ମିଳନ ହୋଇଥିବ ତା କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ, ଏଠି କୌଣସି କ୍ରିୟା ନଥାଏ, କିଛି ବୁଝି ନପାରି, କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉନି, ତ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ବାକ୍ୟାଂଶରେ କିଛି ବିଶେଷ ପଦ ରହିଥାଏ, କିଛି ବାକ୍ୟାଂଶରେ କିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ବାକ୍ୟାଂଶରେ କିଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଥାଏ। ଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ'ଣ, ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ, ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶେଷ କ'ଣ, ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଆମ ଯେମିତି ନେବ ଆମକୁ ଆମେ ସେମିତି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ବାକ୍ୟର ପାର୍ଟ, ସେଠି ଆପଣ ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ପାଇପାରିବେ, ଦେନ୍ ଯାଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ, ବାକ୍ୟାଂଶ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନାକାଡ଼େମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବର SMS କରିପାରିବେ, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।